हेलो स्टूडेंट, आज हम लाए क्लास 8 का वर्कशीट सॉल्यूशन। ये वर्कशीट सोशल साइंस की है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये वर्कशीट आती है आपके लिए रोज क्लास 8 के लिए। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये 11 सितंबर की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज। आपका चैप्टर फर्स्ट है, लेसन फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट में। एक्टिविटी हमें दी गई है, पहले लुक अराउंड यू एंड लिस्ट ऑल द सब्सटेंस ऑफ योर सराउंडिंग इन द फॉलोइंग टेबल। अब हमें बताना है, हम चारों तरफ देख के कि आपके सामान सामने क्या क्या सामान है इस टेबल में। सब्सटेंस यूज फॉर मेकिंग हाउस, ब्रिक एंड सॉइल, और क्या हो सकता है? तो इसमें हो सकता है, जैसे अब हम सॉइल से घर बनाते हैं तो वो ब्रिक से बनती है, तो हम लिख सकते हैं डोर। डोर किससे बनता है? वुड से। तो यहाँ आप नीचे लिख देंगे वुड, डोर वुड से। तो आप ऐसे एरो खींच के करेंगे। अब बेड, और बेड वुड से बनता है। अब और क्या लिख सकते हैं हम? अलमीरा लिख सकते हैं, अलमीरा लिख देंगे हम। एंड अलमीरा का क्या लिखेंगे? सॉइल। अलमीरा का लिख देंगे हम, सॉरी, अलमीरा का हम लिख देंगे आयरन। अलमीरा आयरन से भी बनती है ना। थर्ड देखते हैं हम, थर्ड का हम लिखेंगे, ये स्पून स्टील से लिखा है तो हम लिख देते हैं टैप। हमें बताना है किचन वेयर वॉशरूम सब्सटेंस एंड इट्स मटेरियल। अब जो हमें जो किचन में हमारा टैप हो सकता है यानी नल हो सकता है, और इसके सब्सटेंस बताना है। सब्सटेंस क्या होता है? तो सब्सटेंस हो जाएगा इसका भी स्टील, स्टील से ही बनती है नल भी। और अब हम देखेंगे फूड वी ईट। अब जो हम खाते हैं, ग्रो नेचुरली राइस। अब राइस नेचुरली उगते हैं तो हम लिख देंगे एग। एग किससे हो जाते हैं? हैन से। यहाँ हम हैन लिख देंगे, एग का हैन। अब टाइप्स ऑफ क्लोथ वी वेयर, तो मैं ये सब काट देती हूँ, आपने लिख लिया होगा आई होप। कॉटन का शर्ट लिखा है, हम लिख सकते हैं वूल। अब वूल किससे? शिप से। तो यहाँ आप लिख देंगे शीप, ये शीप लिख दिया। एनी अदर सब्सटेंस, और अदर सब्सटेंस आपको लिखना है फॉसिल फ्यूल, और आप पेट्रोलियम लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हमें सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, नाउ कैटेगराइज सम ऑफ द सब्सटेंस इनटू ग्रुप्स। सब्सटेंस हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू। अब जिनमें इकोनॉमिक वैल्यू है, तो ब्रिक में इकोनॉमिक वैल्यू है, तो यस है, ब्रिक में इकोनॉमिक है। और डोर्स में इकोनॉमिक वैल्यू है। अब डोर्स आपको फ्री में तो नहीं मिल जाते ना, खरीदने पड़ते हैं। ब्रिक्स भी यानी ईंटें भी खरीदनी पड़ती हैं। और सब्सटेंस हैव नॉट इकोनॉमिक वैल्यू। अब जो इनमें, अब ब्रिक्स से ही हम ले सकते हैं सॉइल। अब सॉइल हर जगह होती है तो उसमें इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। और वुड, वुड भी तो हमें पेड़ के साथ पर मिल जाती है तो उसमें भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। अब हमें डोर्स वगैरह की इकोनॉमिक वैल्यू होती है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। अब यह हमें एक पैराग्राफ दिया, हम पढ़ते हैं सर। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये दो सब्सटेंस हैं जो, दो फैक्टर्स हैं जो सब्सटेंस को रिसोर्सेज यानी ज़रूरत के चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, मेडिसिनल प्लांट ग्रोइंग इन द डेंस फॉरेस्ट इज नो यूज फॉर अस नाउ, बट द पैसेज ऑफ टाइम एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी व्हेन अ मेडिकल फॉर्म प्रिपेयर सम मेडिसिन एंड गॉड इट इज पेटेंट एंड इज अवेलेबल फॉर यूज इट बिकम्स अ रिसोर्सेज। मतलब ये हमें बताया गया कि डेंस फॉरेस्ट में जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं वो हमारे यूज़ के लिए नहीं होते, बट जो टेक्नोलॉजी और टाइम ने ऐसा कर दिया कि ये हमारे यूज़ में आ गए और ये एक रिसोर्स बन गया, ज़रूरत बन गई हमारी। तो टेक्नोलॉजी की मीनिंग लिखी गई है और पेटेंट की मीनिंग लिखी है। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इज डूइंग और मेकिंग थिंग्स। ये एक एप्लीकेशन है जो लेटेस्ट नॉलेज को और स्किल को मेक बनाती है, टेक्नोलॉजी है। इट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट और ओवर एन आइडिया और इनोवेशन। पेटेंट होता है जो हमारा राइट होता है, हमारा आइडिया होता है, या हमारा इन्वेंशन या इनोवेशन होता है, वो इनोवेशन पावर्स। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम, नाउ आस्क योर एल्डर फैमिली मेंबर अबाउट फ्यू सब्सटेंस विच आर यूज नाउ बट वेयर अवेलेबल वैन देयर एरिया। अब अपनी मम्मी पापा से पूछना कि जब आप हमारी उम्र के थे तो जो ये आप चीज़ अभी यूज़ कर रहे हैं वो पहले थी? तो टीवी नहीं थी। और क्या लिख सकते हैं? फ़ोन लिख सकते हैं, फ़ोन भी नहीं थे, मोबाइल फ़ोन।
एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं थे, और क्या लिख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर, तो मैं यहाँ पे फ्रिज लिख देती, आप फ्रिज भी लिख सकते हैं और रेफ्रिजरेटर भी लिख सकते हैं। फ्रिज लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया हमें। ट्राई टू थिंक व्हाट मेड इट पॉसिबल, अब सोचिए कि क्या इसे पॉसिबल बना सकता है, तो इसे क्या पॉसिबल बना सकता है, आप देख सकते हैं इसे पॉसिबल बना सकते हैं टाइम एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपको लिखना है टाइम एंड टेक्नोलॉजी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपको ऐसी सेम लिख देना है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी बस। तो ये आपको क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन रह रहे हैं, तो मैंने आपको अभी ये बी क्वेश्चन नहीं करवाया था, अब मैं आपको ये करवाती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं थे, ये आपकी पूरी वर्कशीट थी अभी तक। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो ये एक क्वेश्चन दिए गए हमें तीन, और एक ये क्वेश्चन दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डू यू बिलीव दैट बोथ आर इम्पॉर्टेंट, अब ये जो हमें इकोनॉमिक वैल्यूज दी गई थी, अब दोनों क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। तो आंसर नंबर फर्स्ट का है, बोथ टाइप ऑफ मटेरियल्स आर नेसेसरी फॉर अस बिकॉज न्यू मटेरियल्स आर मेड ऑन रॉ मटेरियल्स सच एज क्ले वुड यूजिंग डायमंड टेक्नोलॉजी, सो इफ़ वी डू नॉट हैव रॉ मटेरियल्स देन वी कैन नॉट मेक न्यू मटेरियल्स। इनमें दोनों टाइप्स के मटेरियल्स यूजफुल हैं। तो ये हमारे आंसर है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन एंड ऑफ द अबव एक्टिविटीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ सब्सटेंस बिकमिंग अ रिसोर्स। अब आपको बताना है कि कौन कौन से मेन फीचर्स हैं सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने के लिए। तो मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ या आपको आंसर बताती हूँ। तो अगर हम किसी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने के लिए, हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, शुड बी यूजफुल टू ह्यूमंस एंड मीट ह्यूमन नीड्स। अब ये ह्यूमन के लिए यूजफुल होना चाहिए और ह्यूमन को देखना चाहिए। टू कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट इनटू रिसोर्स इट मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टराइज। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर टू कम्प्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर टू पर चलते हैं हम, वट आर द फैक्टर्स विच कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज, एक्सप्लेन बाई गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग। तो चलिए आपको इसका आंसर दिखाती हूँ मैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स विद बाई विच एन ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इंटू रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल एन आर्टिस्ट डज वर्क ऑन वुड एंड कन्वर्ट इट्स इंटू फर्नीचर। अब टाइम एंड टेक्नोलॉजी है, अब वो उस पर टाइम दे रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी यानी तकनीक लगा रहा है, तो ये हम उसे फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया उसने। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का मैं कम्प्लीट हो गया, थर्ड देखते हैं। कैटेगराइज द सब्सटेंस वी लिस्टेड इन योर टेबल वन इन टू, सब्सटेंस वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, हमें नेचर से कौन से सब्सटेंस मिलते हैं, सॉइल मिलती है, सब्सटेंस विच आर मेड। अब सॉइल से हम क्या बना सकते हैं, ब्रिक बना सकते हैं, तो यहाँ ब्रिक लिख देंगे। और क्या मिलता है हमें, और हमें वुड मिलती है, और उससे क्या बना लेते हैं हम, ब्रिक डोर्स बना लेते हैं या और बेड्स बना लेते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, डोर या बेड्स। तो ये मैंने यहाँ डोर्स लिख दिया। और आप कॉटन मिलता है हमें, मिलता है ना सूत, कॉटन मिलता है, उससे हम क्या बना लेते हैं, क्लोथ्स बना लेते हैं, कॉटन क्लोथ्स बना लेते हैं। तो ये हमारी आज की वर्कशीट आप कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करा हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट कम्प्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।